अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको सोच रहा हूँ कि मैं आपसे नई चीज़ शेयर करता हूँ। मैं बेसिकली सोच रहा था कि जो लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं ज़्यादातर, तो मोस्ट ऑफ दम के मांस कर देता हूँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके मांस नहीं कर पाता उसके, क्योंकि कितने बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि हर एक के अंदर कमेंट्स को देखा जाए और फिर उनको रिप्लाई किया जाए। तो आज से मैं एवरी वीक आपके जितने भी कमेंट्स होंगे तो उनके एक अलग से सेशन बना के उसमें उनके जो है मैं क्वेश्चंस के आंसर वो मैं बता दिया करूँगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ लेट्स टॉक। तो बेसिकली इसको इसीलिए मैं इसको लेट्स टॉक का कह रहा हूँ कि चलो थोड़ी बात गपशप हो जाए। तो आज मैं कुछ वीडियोज़ ओपन करता हूँ अपनी पुरानी और उस पर हम लोग बात करते हैं, जो वीडियोज़ के लोगों वीडियोज़ पर लोगों का कमेंट्स हैं उन पे बात करते हैं। और लेट्स सी, आज देखते हैं। लैपटॉप मेरा ओपन किया मैंने और मैं अभी अपना चैनल ओपन करता हूँ और आपके साथ जितने भी कमेंट्स हैं उनका ट्राई करते हैं जितना रिस्पांस हो सके, जितना बेस्ट टू बेस्ट हो जाए वो मैं आपको बताता हूँ और उनकी हेल्प करते हैं। चलिए, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये भाई ओके, दैट्स माय चैनल। तो चलिए आई क्या ओपन हो गया ऑन वीडियोस। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके क्वेश्चंस के आंसर कहाँ से। जॉब्स, कौन से जॉब्स हैं जिन पे ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, इस पे काफ़ी सारे कमेंट्स थे जिनके नॉर्मली मैंने ट्राई किया था एज मच एज आई कैन कि मैं उनका रिप्लाई कर दूं, लेकिन कुछ के थे जो रह गए थे जो मैंने नहीं किए। तो मैं सोच रहा हूँ भी मैं आपको इसके जो है बताते हैं क्या बात है, क्या कमेंट्स हैं और क्या उनके क्वेश्चन हैं और क्या उनके आंसर हैं। Hold on, something is happening. ये मैंने वीडियो ओपन की और ये बता रहे हैं कि योर कमेंट्स आर टर्न्ड ऑफ। ये क्या सीन है, खैर छोड़े, हम बात करते हैं भाई अगली वीडियो पे जो कि है हाउ यू कैन पे योर ट्यूशन फी। उसको छोड़े क्योंकि मैं उसको चेक करता हूँ बाद में क्या रीज़न है उसके कमेंट्स क्यों ऑफ हुए हैं। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले हमारे एक भाई हैं फिदा हुसैन शाह, उन्होंने कहा है भाई ब्रो रिप्लाई करो प्लीज़, किंग्स ओन इंस्टीट्यूट अच्छा है फॉर एमपीए, वीज़ा मिल जाएगा, वीज़ा रेशो क्या है, मी फ्रॉम पाकिस्तान। फिदा हुसैन शाह, अच्छा सबसे पहले तो इनका क्वेश्चन है कि किंग्स ओन इंस्टीट्यूट अच्छा है फॉर एमपीए। मैं खुद किंग्स ओन इंस्टीट्यूट सिडनी से पढ़ा हूँ, किंग्स ओन इंस्टीट्यूट एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, आपको काफ़ी सारी वहाँ पे जो स्टडी उनकी पढ़ाने का जो अंदाज है, जो स्टडी लेवल है वो एक यूनिवर्सिटी की तरह है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। जो किंग्स ओन इंस्टीट्यूट जो अपना मटेरियल देता है, जो आपको उनका स्टडी लेवल है ना वो एक डिफरेंट नज़र आएगा, क्योंकि इनका स्टडी लेवल जो है वो यूनिवर्सिटी के मुताबिक है। तो किंग्स ओन इंस्टीट्यूट इज़ गुड इंस्टीट्यूट जो है ना, वहाँ पर पढ़ने का आपको कुछ फ़ायदा है। और वीज़ा रेशो क्या है, मैं जो 3 साल पहले आया था तो वीज़ा रेशो नॉर्मल थी, पाकिस्तान से वीज़े मिल रहे थे। अभी जब 2017 और 18 में वीज़ा रेशो बहुत कम हो गई थी, ना मिलने के बराबर थी, लेकिन 2019 में मैंने कुछ ऐसे लड़के देखे हैं जो डायरेक्ट किंग्स ओन इंस्टीट्यूट में आईटी की बेस पे आए हैं। तो आई थिंक सो के उम्मीद है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, बस ये है कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो अच्छी तरह से पूरी करनी है। अब अगला जो है अपने भाई का है,
आरिश 4419, कॉली चेंज करवा लेते हैं क्या सब भाई जो फी खुद निकालते हैं? जी भाई, कॉली चेंज हो जाता है, इट्स अप टू यू, ये रिस्क भी है, आप चेंज कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए कॉलेज चेंज करना। उसके रीज़न ये है कि लॉट ऑफ पीपल वो जो है वो चेंज करते हैं, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपका कॉलेज चेंज हो जाएगा। और लोग खुद फ़ी पे करते हैं, जी भाई 90% तो मेरी रेंज में जितने भी है लोग वो खुद फ़ी पे करते हैं, आपको 2 या 3 जॉब करनी पड़ती है उसके लिए, तो इट्स नॉट ईजी। आगे आ जाए भाई, मलिक पबजी ब्रदर्स। हाँ सर, मैंने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, आईएस 5.5 ओवरऑल, आईसीवी कॉलेज में एफएससी में परसेंटेज 47 है और सब कुछ ठीक है, 12 दिन हो गए या रिज़ल्ट नहीं आया, बहुत परेशान हूँ सर, कितने चांसेस हैं? अरे भाई, अभी तो आपको वीज़ा अप्लाई किए हुए 12 दिन हुए यार, यहाँ पे तो लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं यार, 8-8 महीने लग जाते हैं, उनका वीज़ा नहीं आते। एक मेरा दोस्त जो रिसेंटली आया था सिडनी में, 1 साल के बाद उसको उसका वीज़ा मिला है, वो कहता मैं तो उम्मीद छोड़ चुका था। तो भाई टेंशन फ्री हो करो, अभी 12 दिन तो कुछ भी नहीं है, आपको तो काफ़ी वेट करना है, लेकिन आजकल वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत तेज़ है, आपको विद इन 2-3 मंथ्स मैक्सिमम 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, सो डोंट वरी ब्रो। अच्छा अब आगे मुबशर रियाज, मेरा UTS में हुआ है एडमिशन, काइंडली अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दे प्लीज़, या मुझे मैसेज कर दो 0306, मैं बैचलर के लिए आना है। ब्रदर UTS में आप मुझे व्हाट्सएप नंबर सेंड कर दो यार, इट्स अ बिट ट्रिकी, आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो आप, मैं अपना इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं हमेशा सेंड करता हूँ अपने बायो में डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर जाए मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई कर दूँगा। वसीम गोंदल, भाई प्लीज़ कैश पे वीडियो बना दें। कैश पे वीडियो मतलब कैश इन हैंड जॉब्स पे वीडियो, कैश इन हैंड्स, हाँ लड़ो, ये काफ़ी जॉब्स हैं कैश इन हैंड, लेकिन सिडनी और मेलबर्न में है, यहाँ पे डार्विन और कैनबरा में नहीं है भाई, अल्ट्रा है, मैं बना दूँगा। वसीम गोंदल, भाई 40 ओवर्स से ज़्यादा काम कर सकते हैं? 40 ओवर्स से भाई, ऑन स्टूडेंट वीज़ा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 घंटे लो होते हैं एक वीक में, और फोर्नाइट मतलब 14 दिन में 40 घंटे लो होते हैं, इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते। ऑन टैक्स इससे ज़्यादा काम मत कीजिएगा, कैश पे आप 100-100 घंटे काम करें, कोई मसला नहीं है। राना हमजा, भाई आपने काफ़ी डिटेल में डिफाइन किया है, माशाल्लाह थैंक यू। परवेज इंसारी, भाई जान इंस्टाग्राम का लिंक नहीं मिल रहा, आई विल सेंड यू बता। मियाँ अहमद भाई, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल समद भाई, आपने आइल्स कहाँ से किया था? मैं भी लाहौर से ही हूँ, प्लीज़ रिप्लाई मी। ब्रदर मैंने लाहौर से शाद्रा में एक ELC अकेडमी है राना आरिफ की, मैंने वहाँ से किया था, आप चाहे उनसे रब्ता कर लें, ELC शाद्रा बाजवा हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ है, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करें, वो आप वहाँ से कर ले अगर आपने करना है। ये थे भाई योर ट्यूशन फी जो है कैसे पे करनी है, ये उसके ऊपर जो कमेंट्स थे वो मैंने आपके साथ पढ़े हैं। ऑटोमोटिव मैकेनिक जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी उस पर क्या कमेंट थे, वो मैंने भी नहीं पढ़े, बल्कि मैंने पढ़े थे। आई एम कमिंग इन मार्च इनटेक फॉर साइबर सिक्योरिटी, व्हाट आर द चांसेस फॉर PR इन दिस कोर्स? साइबर सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा स्कोप है, और राइट नो साइबर सिक्योरिटी मैं कंफर्म नहीं हूँ, साइबर सिक्योरिटी पे चांसेस PR के काफ़ी ज़्यादा है, और इनके पॉइंट्स भी 65 to 70-75 के करीब है। साइबर सिक्योरिटी बड़े बहुत अच्छी ऑप्शन है राइट नो, साइबर सिक्योरिटी में आप ज़रूर जाएं। हमजा सुहेल भट्ट साहब कह रहे हैं, ब्रो माय फ्रेंड गॉट वीज़ा Level 2 कॉलेज इन सिडनी इन डिप्लोमा ऑफ ऑटोमोटिव मैनेजमेंट, इज इट ट्रू? इट कुड बी ट्रू, डिपेंड ऑन द गाय हु इज़ अप्लाइंग फॉर द वीज़ा, उसकी एज क्या है, उसका आइट्स के बैंड क्या है, एंड द थर्ड थिंग के भाई उसका लक कितना है, मिल जाता है। समीर खान भाई कह रहे हैं, ऑटोमोटिव कोर्स पर बहुत मुश्किल से वीज़ा मिलता है। बदर आप तो भूल जाएं कि ऑटोमोटिव पे आपको पाकिस्तान से वीज़ा मिलेगा, पाकिस्तान से आप डायरेक्ट किसी भी ट्रेड कोर्स में नहीं आ सकते, मैंने पहले भी बताया, आप किसी डिग्री में हो बाद में आप कन्वर्ट करवा लें, डायरेक्ट ऑटोमोटिव में या किसी ट्रेड कोर्स में एडमिशन नहीं देते ऑस्ट्रेलिया वाले।
उसके बाद फेक व्लॉग्स, थैंक यू भाई, थैंक यू अयाज़ अवान, थैंक्स भाई योर कंटेंट इज़ अमेजिंग, कुड यू प्लीज़ टेल मी कैन वी गेट द वीज़ा इन एडवांस डिप्लोमा टू बैचलर, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज दैट पॉसिबल टू चेंज द कोर्स आफ्टर 6 months ऑफ एडवांस डिप्लोमा टू द ट्रेड कोर्सेज, काइंडली बाई रिप्लाई मी। अच्छा पहले तो आपका पहला क्वेश्चन है कुड यू प्लीज़ टेल मी कैन वी गेट द वीज़ा इन एडवांस डिप्लोमा ऑफ बैचलर, येस यू कैन गेट द डिप्लोमा, आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। पॉसिबल टू चेंज द कोर्स आफ्टर 6 months ऑफ एडवांस डिप्लोमा टू ट्रेड कोर्स, येस यू कैन चेंज इट ईजिली, मैंने काफ़ी वीडियो में बताया कि आप 6 महीने का एक अपना सेमेस्टर कम्प्लीट करने के बाद आप किसी भी ट्रेड कोर्स में जा सकते हैं, सो नॉट अ बिग डील बता। उसके बाद जैद क्रिएशन बाग कह रहे हैं ब्रो डिप्लोमा से डायरेक्ट आ सकते, डिप्लोमा से डायरेक्ट आ सकते हैं, यस यू कैन, बट इसमें यह है कि आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री होना चाहिए, खाली डिप्लोमा बेस पे आप नहीं आ सकते, आपको पहले डिप्लोमा हो 1 साल का, लीडिंग टू डिग्री होगी, ऑल टुगेदर 3-4 years का होगा। उसके बाद है मलिक जैब कह रहे हैं सर्टिफिकेट 3 फिर जॉब कर सकते हैं क्या 1 year का, सर्टिफिकेट 3 फिर जॉब कर, कमेंट कुछ बन नहीं रहा यार। उसामा साहब कह रहे हैं उसामा निजामनी, सॉरी यार अगर नेम थोड़ा सा, लेकिन ब्रो बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की कितनी फ़ी होगी, यहाँ पाकिस्तान से कहाँ कितना खर्चा होगा, मैंने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल का, थोड़ा सा गाइड करें भाई। बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आपको यूनिवर्सिटी ही करवाएगी भाई, और यूनिवर्सिटी की फ़ीस स्टार्टिंग फ्रॉम $12,000 टू $16,000, और पाकिस्तान से खर्चा अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा के आ रहे हैं तो रफली आप आइडिया ले लें $15,000 तो यूनिवर्सिटी की फ़ी चली गई, प्लस एक्सपेंडिचर्स डाल के आपका काम चले जाए, और आपके कंसल्टेंट की फ़ी डाल के 20-22 lakh तक बात जो है वो चले जाएगी, एक्सक्यूज मी। उसके बाद है हसन सरफराज वड़ाइच, ब्रो मेरे 48% मार्क्स हैं, FSC में वीज़ा लग जाएगा भाई, लग जाएगा, ये लोग फी, इन लोगों को पैसा चाहिए, दे डोंट केयर अबाउट योर परसेंटेज का जो है ना, ये चैलेंजिंग है पाकिस्तान में ही है, ऑस्ट्रेलिया किसी और सिटी में नहीं, ये हम लोग ही हैं, 95% ले लो और 100% ले लो, ये पाकिस्तान में ही चलते हैं। मियाँ अहमद, ब्रो प्लीज़ सेमेस्टर के बाद जो हॉलीडेज होती हैं उनमें पाकिस्तान आ सकते हैं, टिकट कितने की मिलेगी टेल मी ब्रो। जी भाई जान, जब आपको सेमेस्टर कम्प्लीट होता है तो आपको ब्रेक होती है, यू कैन गो एनीवेयर, और टिकट यार डिपेंड के किस टाइम करवा रहे हैं और कौन सी एयरलाइन की करवा रहे हैं, $1,000 से लेके $5,000 तक है, आप पे डिपेंड करता है। नरेश कुमार कह रहे हैं ब्रो मास्टर इन बिजनेस टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट PR लिस्ट में है कोर्स, टेल मी ब्रो एंड हम कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी डिग्री या कोर्स चूज़ कर रहे हैं आप ट्राई करें कि SOL इमिग्रेशन की लिस्ट है, अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन SOL लिस्ट, उसके अंदर आपने जो भी डिग्री करने के लिए आ रहा उसके अंदर वो डिग्री होगी, अगर वो वहाँ पे होगी तो वो SOL लिस्ट में है, मतलब उस पर PR है, अगर नहीं होगी तो उस पर PR नहीं है। और हम कैसे आ सकते हैं भाई, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होगा, उसके अलावा तो क्या चांसेस है, कोई गोरी ढूंढी है तो उससे शादी कर लो भाई, चले आप आ जाए आगे एक और वीडियो पे पढ़ लें। यार ये कमेंट्स टर्न ऑफ हुए हैं, मुझे ये चेक करना होगा, ये क्या मसला, मैंने समथिंग रॉन्ग, इट्स ओके, मैं इसको चेक करता हूँ। ये लास्ट वीडियो में पढ़ते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सो नेक्स्ट में बाकी जो है वो करेंगे, सो मैं जल्दी जल्दी से पढ़ लेता हूँ। आई गॉट ऑफर फ्रॉम डीकन यूनी बर्वुड कैंपस विदाउट आइट्स, कैन यू अप्लाई माई वीज़ा विदाउट आइट्स, आई गॉट ऑफर फ्रॉम डीकन यूनिवर्सिटी बर्वुड, असजीत चौधरी, ब्रदर इट्स डिपेंड ऑन के यार यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट क्या है, अब चूंकि हम लोग दोबारा से असेसमेंट Level 2 पे आ गए हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल, बट इट कैन बी, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी डिग्री की बेस पे आपको बता सकती है कि उनको वीज़ा रिक्वायरमेंट है, 80% चांसेज हैं कि वो उनको आपका आइट्स रिक्वायर है। एहसन पन्नू, थैंक्स ब्रो, काइंडली टेल मी
एफए की बेस पर हम ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं क्या, और कॉलेज सेमेस्टर फ़ी कितनी होगी? यस दादा, आपने अगर एफए किया तो आप उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे बैचलर किसी भी जो है ना कॉलेज में यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं इजीली, इट्स नॉट हार्ड। और कॉलेज सेमेस्टर फ़ी स्मार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम $6,000 टू $8,000। असदुल्ला कह रहे हैं भैया मैं सिडनी में होता हूँ, मुझे जॉब के लिए हेल्प चाहिए। ओके ब्रदर, मैंने आई थिंक आपको रिप्लाई भी किया है और आपसे मैंने कॉन्टेक्ट भी किया है। मियाँ कासिम कह रहे हैं पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आने के लिए मास्टर एमबीए करने के लिए स्टार्टिंग में कितने पैसे लगते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यार आपको अगर कॉलेज की फ़ी है तो $6,000 to $8,000, और अगर यूनिवर्सिटी की फ़ी है तो $12,000 to $15,000, और अगर कॉलेज के लिए आ रहे हैं तो 15 लाख के करीब लग जाएगा, यूनिवर्सिटी के लिए आ रहे हैं तो 20 प्लस। तो आई थिंक इनफ है इतने, तो बाकी सेशन अगली वीडियो में जो है ना वो करेंगे। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मैं आपको अपनी ईमेल लिंक में दे रहा हूँ, यहाँ पे अपनी ईमेल दे दूँगा, आप वहाँ पे मुझे सेंड करें, आई विल ट्राई टू आंसर यू, और मैं हर एक सेशन लहदा से बना के उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आंसर कर दूँगा। ईमेल जो है वो लिंक में है।